द रिंग। 24 साल का डैन एक सिनेमा हॉल में साफ सफाई का काम किया करता था। जो भी थोड़े बहुत पैसे उसे वहां से मिलते वो उसी से अपना गुजारा चलाता था। ऐसे ही एक दिन डैन सिनेमा के टिकट काउंटर के बाहर सफाई कर रहा था। सारा कूड़ा इकट्ठा करके वो बाहर के डस्टबिन में उसे डालने जा रहा था कि तभी रोड पार कर रही एक औरत की तरफ एक तेजी से चलती हुई गाड़ी आई और उस गाड़ी से टकरा कर उस औरत का एक्सीडेंट हो गया। वो गाड़ी वाला तो वहां से भाग गया पर उस औरत की जख्मी बॉडी वहीं रोड पर गिरी हुई थी। डैन भागता हुआ उस औरत के पास गया पर उस औरत की हालत देखकर ये साफ पता चल रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है। तभी डैन की नजर उसी औरत की लाश के पास पड़ी एक चमकती हुई अंगूठी पर पड़ी। वो अंगूठी सोने की थी और डैन की नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। उस सोने की अंगूठी को बेचकर मिले पैसों से डैन अपनी जिंदगी सवार सकता था और इसलिए उसने बिना कुछ सोचे बस उस अंगूठी को उठाकर अपनी जेब में डाल लिया और वहां से निकल गया। इतने में उस औरत के आसपास बहुत भीड़ जमा हो गई और जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाया गया और उस औरत की बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया गया। इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बाद पुलिस ने सिनेमा के सामने वाली रोड को बंद कर दिया क्योंकि अब सिनेमा देखने कोई नहीं आ सकता था, तो उस दिन के सभी शोज कैंसिल कर दिए गए। सिनेमा के सुपरवाइजर ने डैन को मूवी थिएटर की सफाई करके घर जाने को कहा। डैन ने अपना मन बना लिया था कि वो जल्द से जल्द हॉल्स की सफाई करेगा और फिर उस अंगूठी को बेचने चला जाएगा और इसी के चलते वो अपना काम करने लग गया। मूवी थिएटर की लॉबी साफ करते हुए डैन एक पानी से भरी बाल्टी लेकर आया। कुछ देर तक सफाई करने के बाद उसने देखा कि वो जहां जहां पर भी पोछा यूज कर रहा था वो जगह लाल होती जा रही थी। लाल जमीन को देखकर डैन के होश उड़ गए। तभी उसने पानी की बाल्टी पर नजर डाली तो उसका पूरा पानी खून जैसा लाल हो चुका था। घबराहट के मारे डैन के हाथ से वो बाल्टी छूट गई और उस बाल्टी का सारा पानी नीचे बिखर गया। लॉबी का पूरा फ्लोर लाल पड़ गया था। डैन ने इस बात को समझने की बहुत कोशिश की कि आखिर उसके साथ ये क्या हुआ था कि इतने में उस हॉल की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और उस लाइट्स की फ्लिकरिंग में डैन को दिखा कि उस लाल हुई जमीन पर किसी के पैरों के निशान बन रहे हैं और वो जिस किसी के भी हैं वो उसी की तरफ आ रहे हैं। अचानक उसे किसी औरत की परछाई दिखी और लाइट्स भी पूरी तरह बंद पड़ गई। ये देखकर डैन की हालत खराब हो गई और उसकी एक जोर की चीख निकल पड़ी। लेकिन फिर तभी हाय दोस्तों, मैं हूं खूनी मंडे का क्रिएटर दिवे और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अमेजिंग क्रेडिट कार्ड के बारे में बताना चाहता हूं। वन कार्ड, एक यूनिक क्लासी मेटल क्रेडिट कार्ड जिसे मैं पिछले एक साल से खुद भी यूज कर रहा हूं। वन कार्ड की बेस्ट चीज है कि वो एक लाइफ टाइम फ्री कार्ड है विद नो हिडन चार्जेस एंड क्योंकि ये मेटल कार्ड है तो इसे होल्ड करने में भी एक बहुत ही प्रीमियम फील है। इसकी मोबाइल ऐप में सब कुछ इजीली हो जाता है। अपने स्पेंड्स को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। हर स्पेंड पे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं विद 5x बूस्ट जिसको आप इन ऐप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉरेक्स फी भी सिर्फ 1% है। आप एड ऑन कार्ड लेकर अपनी फैमिली के साथ भी वन कार्ड के बेनिफिट शेयर कर सकते हैं। मेरी मॉम के लिए भी मैंने एक एड ऑन कार्ड लिया है। ऑल्सो OTP की जगह स्वाइप टू पे ऑप्शन चूज करके आप अपना ऑनलाइन एक्सपीरियंस आसान बना सकते हैं। ऐसे कई सारी फीचर्स देख के लोग अपने कामों से डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं। और तो और, अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं है तो भी आप एक FD खोलकर वन कार्ड इशू करवा सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी, फ्लाइट टिकट्स और बहुत सारी चीजों पर हमेशा ही वन कार्ड के ऑफर्स चलते रहते हैं। तो आप भी मेरी तरह वन कार्ड डाउनलोड करके उसके लिए अप्लाई करो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। लेकिन फिर तभी लाइट्स वापस ऑन हो गईं। डैन ने आसपास देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसने नीचे जमीन पर देखा तो वहां भी ना कोई खून था ना किसी के पैरों के निशान थे, बस पानी बिखरा पड़ा था। डैन को लगा कि ये सब शायद उसका वहम होगा और वो वापस सफाई में लग गया। लॉबी की सफाई खत्म करके वो हॉल में घुसा और उसकी सफाई करने लगा। चेयर्स की सफाई करते हुए वो सीट के नीचे गिरे पॉपकॉर्न्स वगैरह भी साफ कर रहा था कि एक सीट के नीचे एक चॉकलेट का रैपर गिरा हुआ था
उसे उठाने के लिए वो जैसे ही नीचे झुका, उसे पिछली सीट पर किसी के पैर दिखे। डैन एकदम से उठ खड़ा हुआ। उसने नजर उठाकर देखा तो पिछली सीट पर कोई भी नहीं था। डैन ने फिर से नीचे झुककर देखा तो पिछली सीट पर अब किसी के पैर नहीं थे। लेकिन जब वो उठा तो उसके ठीक सामने एक लाश जैसी दिखने वाली भयानक औरत खड़ी थी। उसे देखकर डैन की रूह कांप उठी। वो फटाफट से उस मूवी थिएटर से बाहर भागा। लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद डैन जैसे ही रोड क्रॉस करने लगा, उसे वही भयानक औरत दिखाई दी। उसका पूरा शरीर जगह जगह से छिला पड़ा था, उसका सर फटा हुआ था और आंखें बिल्कुल लाल पड़ी थीं। डैन ने उस औरत को ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जिसका उस शाम उस मूवी थिएटर के सामने एक्सीडेंट हुआ था। डैन के पैर वहीं रोड पर जम गए थे और वो डर से कपकपाता हुआ बस उस औरत को देखे जा रहा था। तभी रोड पर तेजी से चलती हुई एक गाड़ी आई और उसने डैन को टक्कर मार दी। गाड़ी से टकराते ही डैन वहीं रोड पर गिर पड़ा और वो सोने की अंगूठी उसकी जेब से निकलकर रोड के किनारे जा गिरी। उसे बहुत चोट आई और वो दर्द के मारे छटपटा रहा था कि कुछ ही देर में एक आदमी डैन को देखकर उसके पास आया। उसने देखा कि डैन की बॉडी जख्मी हालत में रोड पर गिरी पड़ी है, लेकिन डैन की तरह उस आदमी का ध्यान भी डैन के पास पड़ी सोने की अंगूठी पर ही गया। उसने आसपास देखा और अंगूठी को उठाकर अपनी जेब में डाल लिया और डैन को मरती हालत में छोड़कर वहां से चला गया। अगले दिन न्यूज आई कि पिछली रात उस मूवी थिएटर के सामने वाली रोड पर 3 लोग अलग अलग टाइम पर एक एक्सीडेंट में मारे गए। हमारी अगले हफ्ते की कहानी हॉन्टेड लेक Spotify पर ऑलरेडी लाइव है, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करिए और जल्दी से उसे सुनिए। और हाँ दोस्तों, वन कार्ड को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। और अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।